साल 1894, लास्ट बेंच पर बैठे एक 16 साल के जर्मन बच्चे ने अपने टीचर से एक सवाल पूछा। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय टीचर ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। उस बच्चे का नाम था अल्बर्ट हर्मन आइंस्टाइन। अब आइंस्टाइन उस वक्त क्लास के बाहर तो चले गए, लेकिन उनके दिमाग में वो सवाल फिर भी घूमता रहा। सवाल था कि लाइट के स्पीड से भागने पर दुनिया आखिर कैसे दिखाई देगी। अब सुनने में ये काफी बचकाना सा सवाल लग रहा है, राइट? जैसे कि लायन और टाइगर में कौन जीतेगा। लेकिन यही बचकाना सा सवाल न्यूटन जैसे जीनियस साइंटिस्ट के पूरे ग्रेविटेशनल थियरी की ही नींव को हिला कर रख देने वाला था, और फिजिक्स की सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग थियरी रिलेटिविटी को जन्म देगा। सो आखिर कैसे आइंस्टाइन ने सिंपल से सवाल को एक पूरे न्यू कॉन्सेप्ट वाले थियरी में बदल दिया, और आइंस्टाइन को न्यूटन की थियरी में ऐसी क्या खामियां दिखाई दी जिसके वजह से जो थियरी 200 सालों तक हर कोई भगवान की वाणी की तरह मान रहा था वो गलत साबित हो गई। अब आई नो ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है कि यार ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग थियरी, ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज कोई कैसे सोच सकता है, इन साइंटिस्टों का दिमाग आखिर चलता कैसे है, क्या मैं भी ऐसा कुछ सोच सकता हूं, अगर हाँ तो कैसे। वेल, आज आपको ना आइंस्टाइन की कहानी से समझेगा कि उनके इस पूरे थियरी का जन्म और एवोल्यूशन आखिर कैसे हुआ, वो डीप आइडियाज उन्हें कैसे और किस तरह से आए जिन्होंने उन्हें वो सच्चाई दिखा दी जो करोड़ों लोग कभी भी नहीं देख पाए। और इसीलिए आई वुड हाईली सजेस्ट कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बीइंग अ साइंस एंथुसियास्ट मैंने जब आइंस्टाइन की कहानी पढ़ी मुझे पर्सनली काफी आई ओपनिंग लगी, जिसने मुझे इस दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखने के लिए इंस्पायर कर दिया। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। अब फ्रेंड्स, शुरुआत में ना मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगा कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी जो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण को एक्सप्लेन करती है वो न्यूटन की थियरी ऑफ ग्रेविटी से ही ईजाद हुई है। So let me tell you, you guys are absolutely wrong. क्योंकि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी असल में न्यूटन की ऐसी दो थियरी से इजाद हुई है जिनका ग्रेविटी से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। तो हुआ यू, न्यूटन ने अपने समय में तीन फंडामेंटल थियरीज को दुनिया के सामने रखा था। पहली थियरी ग्रेविटी, जिसके मुताबिक दो बॉडीज जिनमें भी मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी थी पार्टिकल थियरी, जिसके हिसाब से लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स या कॉर्पसल्स के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। और तीसरी थी रिलेटिविटी। यस, न्यूटन ने भी रिलेटिविटी की एक थियरी दी थी। इस थियरी के अनुसार अगर दो गाड़ियां सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो वो एक दूसरे को रुकी हुई नजर आएंगी, लेकिन वहीं पर अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी तो उनकी स्पीड दुगनी नजर आएगी। इन शॉर्ट, स्पीड या मोशन रिलेटिव है। हर चलती हुई चीज की स्पीड आपके खुद की स्पीड पर निर्भर करती है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि तीनों भी थियरीज काफी अलग अलग चीज है, जैसे कि ग्रेविटी, लाइट और मोशन को एक्सप्लेन करती है। इनका पहली नजर में एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन ही नहीं नजर आता। बट यू नो व्हाट्स द वियर्ड पार्ट, ये तीनों भी अनरिलेटेड थियरीज आइंस्टाइन के समय तक आते आते कंबाइन होकर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी को जन्म देने वाली थी। दरअसल इन तीनों थियरीज को कंबाइन होने की शुरुआत साल 1678 में ही हो गई थी, जब डच फिजिसिस्ट क्रिश्चियन हुइगेंस ने न्यूटन की लाइट कॉर्पस्कुलर थियरी को चैलेंज किया। न्यूटन के हिसाब से लाइट कॉर्पसल्स यानी कि छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में ट्रैवल करती है, पर हुइगेंस के हिसाब से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर बेंड होती है, और इसीलिए उसे पार्टिकल नहीं बल्कि एक वेव के रूप में ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हुइगेंस के पास उस वक्त अपनी थियरी को प्रूफ करने का कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, इसीलिए उनकी थियरी को अगले 100 सालों तक किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, अंटिल 1801, जब एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थॉमस यंग ने हुइगेंस की वेव थियरी को अपने फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर दिया। यंग ने बेसिकली लाइट को दो स्लिट से पास करके उन्हें एक स्क्रीन पर ऑब्जर्व किया और देखा कि स्लिट से निकल रही दोनों भी लाइट बीम्स आपस में मिलकर एक वेव की तरह इंटरफेरेंस पैटर्न यानी कि अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स दिखा रही थी। यानी कि पहली बार यंग के एक्सपेरिमेंट ने न्यूटन की थियरी को गलत साबित करके ये प्रूफ कर दिया कि लाइट इंडीड एक वेव है। पर वेट, लेट्स होल्ड ऑन अ बिट ओवर हियर। वी ऑल नो कि किसी भी वेव को ट्रैवल करने के लिए पानी या हवा जैसा एक मीडियम की जरूरत होती है। ऐसे में आउटर स्पेस में तो सिर्फ वैक्यूम है, तो फिर लाइट वहां पर ट्रैवल कैसे करती होगी? यही सवाल उस वक्त कई सारे साइंटिस्टों को परेशान कर रहा था। लेकिन उसका आंसर साइंटिस्टों ने कैसे ढूंढा, ये समझने से पहले मैं आपके साथ इंडिया में हो रहे एक बड़े प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे आपका पता नहीं, लेकिन आजकल मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि लोग यंग एज में ही बॉल्ड हो जा रहे हैं, उनके बाल भी टूट रहे हैं। अब इसके पीछे का मेन रीजन तो है दिन भर का स्ट्रेस, लेकिन काम करना कोई छोड़ थोड़ी ना सकता है।
और इसी के आयुर्वेदिक सोल्यूशन के लिए कर्नाटका के हक्की पिक्की समुदाय के लोगों ने नागरहोल जंगल के आसपास की जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके ये आदिवासी हेयर ऑयल को बनाया है, जो आपके सर से डैंड्रफ, सफेद बाल और बॉल्डिंग जैसे प्रॉब्लम्स को फिक्स करता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कम्युनिटी को सपोर्ट किया है और मुझे खुद भी कर्नाटका के हक्की पिक्की समुदाय के अजय से मिलने का अवसर मिला था, जिन्हें आप भी डायरेक्टली कॉल करके आदिवासी हेयर ऑयल ऑर्डर कर सकते हो और व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके इन्हें कंसल्ट भी कर सकते हो, वैलिडेट भी कर सकते हो, और इससे आप फ्रॉड से भी बच सकते हो, बिकॉज इस तेल को लेकर मार्केट में बहुत फ्रॉड हो रहा है। मेरा नाम लेने पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और इसीलिए आप इनके इस वेबसाइट से यानी डायरेक्टली कॉल करके ये तेल अभी ऑर्डर कर सकते हो, ताकि आपको ओरिजिनल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन भी मिले और इसी कम्युनिटी के मेहनत के पैसे इन्हें ही मिले। एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम डिस्कस कर रहे थे कि आउटर स्पेस में तो सिर्फ वैक्यूम है, तो फिर लाइट वहां पर कैसे ट्रैवल करती हो। अब इसके जवाब में कुछ साइंटिस्टों के ग्रुप ने ये हाइपोथेसाइज किया कि जहां से लाइट पृथ्वी पर आती है, उस स्पेस मीडियम के विद इन एक फील्ड मौजूद है जो ना ही हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, पर उसी मीडियम के थ्रू लाइट ट्रैवल करती है। उस मीडियम को नाम दिया गया लुमिनिफेरस ईथर। अब जैसे कि मैंने कहा, यह सिर्फ एक हाइपोथेसिस था, अभी तक एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुआ था, और इसीलिए उसी मान्यता रखने वाले ग्रुप के दो साइंटिस्ट अल्बर्ट माइकलसन और एडवर्ड मॉर्ली ने 1887 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एंड यू वोंट बिलीव, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स इतने एम्बैरेसिंग थे कि उसे अब तक का द ग्रेटेस्ट फेल्ड एक्सपेरिमेंट माना जाता है। देखो, माइकलसन और मॉर्ली की थियोरी काफी सिंपल थी। उनके मुताबिक अगर ईथर है और वो एक डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल वेस्ट टू ईस्ट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे में जब लाइट ईथर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, तब उसकी स्पीड तेज होनी चाहिए, और वहीं पर जब वो ईथर के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड कम होनी चाहिए, क्योंकि फील्ड का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। सिंपली स्पीकिंग, माइकलसन और मॉर्ले ने यह सोचा कि अगर हम लाइट की स्पीड चेंज होती है इसे प्रूव कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ईथर का एग्जिस्टेंस भी प्रूव हो जाएगा। पर उनके सामने ऑफ कोर्स यही सवाल था कि इसे प्रूफ कैसे करें। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों लाइट वेव्स एक ही डायरेक्शन और एक ही स्पीड से आने की वजह से एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे थे। अब ऐसे में अगर दो अलग अलग स्पीड की लाइट वेव्स एक दूसरे से टकराएगी तो उनके बीच बनने वाले इंटरफेरेंस पैटर्न को ब्रेक होना चाहिए, और अपने इसी अजम्पशन को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने लाइट वेव को दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में भेजा और उन्हें मिरर से रिफ्लेक्ट किया, ताकि वो दोबारा एक ही पॉइंट पर आकर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाए। पर जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, वंस अगेन दे वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। उन्हें दोनों लाइट वेव्स के इंटरफेरेंस पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं नजर आया। यानी कि इससे दो अहम बातें प्रूव हो गई। पहला ये कि लुमिनिफेरस ईथर जैसा कोई मीडियम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और दूसरा ये कि लाइट हमेशा सभी डायरेक्शंस में एक ही स्पीड से ट्रैवल करती है, यानी कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, विच मींस ऑल इन ऑल जिस ईथर के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसी के वजह से ईथर का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए डिसप्रूव हो गया। लेकिन जैसे ही माइकलसन और मॉर्ले ने ये प्रूव किया कि लाइट की स्पीड कॉन्स्टेंट है, वैसे ही न्यूटन की दूसरी अनपॉपुलर थियरी रिलेटिविटी ने दोबारा से कमबैक कर लिया, और इसी वजह से आगे चल के आइंस्टाइन को खुद की एक रिलेटिविटी की नई थियरी क्रिएट करनी ही पड़ी। सो 1905 में आइंस्टाइन के मन में ख्याल आया कि न्यूटन के हिसाब से स्पीड रिलेटिव होती है, मींस मैं जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूं उस सेम स्पीड से अगर कोई सामने आ जाएगा तो उसकी स्पीड मुझे डबल परसीव होगी। सो लेट्स से मैं लाइट की बीम पर बैठकर ट्रैवल करता हूं और सामने से एक दूसरी बीम ऑफ लाइट आती है, तो उसकी स्पीड भी मुझे डबल परसीव होनी चाहिए, राइट? पर अभी अभी जस्ट हमने देखा कि माइकलसन और मॉर्ले ने यह प्रूव किया कि लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट है, विच मींस अगर लाइट की स्पीड डबल होती है तो वो कांस्टेंट नहीं है, और अगर वो कांस्टेंट है तो स्पीड रिलेटिव नहीं है। यानी कि क्लियरली अगर एक चीज को सही मानो तो दूसरी चीज ब्रेक हो रही है और एक पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है। तो यहां पर एग्जैक्टली कौन सही है और कौन गलत, इसके लिए आइंस्टाइन ने थॉट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही एक ट्रेन को इमेजिन किया जिसके दोनों एंड पॉइंट्स पर लाइट फ्लैश हो रही है। अब ऐसे में जब वो प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे तब उन्हें दोनों लाइट्स एक ही वक्त पर फ्लैश होती हुई नजर आएगी, लेकिन जब आइंस्टाइन उसी सेम ट्रेन में सवार होंगे तब उन्हें ट्रेन के पहले डब्बे की लाइट पहले फ्लैश होते हुए दिखाई देगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले डब्बे से आ रही लाइट बीम को आइंस्टाइन के पोजीशन तक ट्रैवल करने के लिए कम लाइट डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, और आखिरी डब्बे से आ रही लाइट जिसको आइंस्टाइन तक उल्टा आना है
उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। मींस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आइंस्टाइन ने देखा कि सिर्फ दो अलग पर्सपेक्टिव्स या फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर लाइट की स्पीड अलग अलग निकल कर आ रही है। लेकिन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, स्पीड ऑफ लाइट तो कॉन्स्टेंट है ना, तो फिर एग्जैक्टली बदल क्या आ रहा है? वेल, आइंस्टाइन ने सोचा कि अगर स्टेशन पर खड़े रहने पर दोनों लाइट एक ही समय पर पहुंच रही है और ट्रेन में बैठने पर दोनों लाइट अलग अलग समय पर आ रही है, तो व्हाट इफ टाइम इज दैट थिंग जो एक्चुअल में बदल रहा है। और बस यहीं पर आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने जन्म लिया, जिसके अनुसार जितना तेजी से हम स्पेस में ट्रैवल करेंगे उतना ही टाइम हमारे लिए स्लो होते जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी कि तब हमारे लिए टाइम पूरी तरीके से ही स्टॉप हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आइंस्टाइन के इस थॉट एक्सपेरिमेंट ने यह प्रूव कर दिया कि टाइम एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग तरीके से काम करता है। पर देयर वाज अ ट्विस्ट। आप देख सकते हो कि ये अपने आप में ही कितनी आयरोनिक बात है, क्योंकि यूजुअली किसी भी चीज का जनरल वर्जन पहले आता है और फिर उसके बाद उसका स्पेशल वर्जन आता है। लेकिन ये शायद इकलौती ऐसी थियरी है जहां पर स्पेशल वर्जन की वजह से उसका जनरल वर्जन आया हो। अब सवाल ये आता है कि आखिर आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे बनी। सो 1905 में आइंस्टाइन ने अपने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश कर दिया था, लेकिन वो खुद अपनी थियरी से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनकी बनाई स्पेशल रिलेटिविटी थियरी ये तो बता रही थी कि लाइट के स्पीड पर टाइम स्टॉप होगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा इसके पीछे का मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। यानी कि आइंस्टाइन भी उसी दुविधा से गुजर रहे थे जिससे 200 साल पहले न्यूटन गुजरे थे। उनकी थियरी में भी कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे जो वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि उसका रीजन, उसका ओरिजिन क्या है। जैसे न्यूटन ग्रेविटी पैदा कैसे होती है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। वेल, आज हम जानते हैं कि दोनों भी चीजों के क्यों का जवाब है स्पेस टाइम फैब्रिक का कर्वेचर। बट उस वक्त आइंस्टाइन और न्यूटन दोनों इस बात से अनजान थे, और इसीलिए बहुत ही जल्द न्यूटन की ग्रेविटी और आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी मर्ज होने वाली थी। बस सिर्फ आइंस्टाइन को ये बात समझने के लिए 10 साल लगने वाले थे। दरअसल आइंस्टाइन ने अपने आप से सवाल किया, सपोज आप एक खाली रास्ते पर चल रहे हो, तब आपकी स्पीड कब कम होगी? ऑब्वियसली जब आपके सामने गड्ढे या कोई प्रकार का रेजिस्टेंस होगा। सो व्हाट इफ टाइम भी एक मीडियम से ट्रैवल करता है जो उसकी रफ्तार को इफेक्ट करता हो? और बस फिर इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने एक स्पेस टाइम फैब्रिक नाम के हाइपोथेटिकल मीडियम को इमेजिन किया, जिसकी बनावट समय को फास्ट और स्लो करने की काबिलियत रखती थी। इससे इमीडिएटली दो प्रॉब्लम सॉल्व हुए। पहला ये कि न्यूटन की थियरी में मास और ग्रेविटी के बीच का क्या संबंध है, वो जो प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी वो सॉल्व हो गई। और सेकेंडली लाइट को कॉन्स्टेंट रखते हुए समय क्यों स्लो होगा, उसका भी जवाब मिल गया। बेसिकली उन्होंने सोचा कि प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स और मून जैसे सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जिनका भी कॉन्सेंट्रेटेड मास है, वो सभी स्पेस टाइम फैब्रिक में गड्ढे क्रिएट करते हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट इस गड्ढे में गिरेगा तब हमें ऐसा लगेगा कि एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मींस इस विजुलाइजेशन से आइंस्टाइन ने ये जवाब दे दिया कि ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट क्यों और कैसे करती है। इसी के साथ इस गड्ढे वाले कर्व्ड स्पेस टाइम फैब्रिक से जब कोई तेज चीज जिसकी लाइट ट्रैवल करती है तब उसे फ्लैट स्पेस टाइम के मुकाबले ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, और क्योंकि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है और इसीलिए इस कर्व्ड स्पेस टाइम से गुजरते वक्त लाइट के लिए टाइम स्लो हो जाएगा। सो आप देख सकते हो कैसे एक सिंपल से थॉट की मदद से आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और न्यूटन की ग्रेविटी, इन दोनों के मैकेनिज्म को आसानी से एक्सप्लेन कर दिया। अब जरूरत थी इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर इस थियरी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने की। इसके लिए साल 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने ग्रेविटी, लाइट और स्पेस टाइम के आपस के कनेक्शन को मैथमेटिकली प्रूव किया। लेकिन मे बी आपको ये पता नहीं होगा, मैथमेटिकल प्रूफ्स के साथ साथ आइंस्टाइन ने सक्सेसफुली GTR थियरी को एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ किया। उन्होंने जनरल रिलेटिविटी के मदद से एक ऐसे बड़े प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जो पिछले 200 सालों से कोई साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पाया था। सो बात ऐसी है कि जब न्यूटन की ग्रेविटेशनल थियरी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर अप्लाई की गई, तब न्यूटन ने देखा कि उनकी थियरी बाकी सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रही थी, एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी। क्योंकि जब एस्ट्रोनॉमर्स ने मर्क्यूरी को ऑब्जर्व किया, तब उन्होंने देखा कि मर्क्यूरी का ऑर्बिट हर 100 सालों में एक स्पेसिफिक एंगल से टिल्ट हो रहा है, लेकिन न्यूटन के कैलकुलेशंस में ऐसा कोई भी टिल्ट प्रेडिक्ट नहीं किया गया था।
यानी कि क्लियरली मर्क्यूरी के केस में न्यूटन के प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स उसके ऑब्जर्व्ड रिजल्ट से मैच नहीं हो रहे थे। अब इस प्रॉब्लम को कई साइंटिस्टों ने सॉल्व करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सभी फेल हो रहे थे। अब ऐसे में जब आइंस्टाइन ने फिर मर्क्यूरी के ऑर्बिट पर अपने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के प्रिंसिपल्स और इक्वेशंस अप्लाई किए, तब उनके रिजल्ट्स ऑब्जर्व्ड रिजल्ट से हूबहू मैच हुए, और इसीलिए आइंस्टाइन ने इसे एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने पेपर को पब्लिश किया। इनफैक्ट पेपर पब्लिश होने के 4 साल बाद 1919 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट आर्थर एडिंगटन ने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के दूसरे फिनोमेनन यानी ग्रेविटी के वजह से लाइट का बेंड होना इसे भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया, जिसमें उन्होंने पता लगाया कि सन के पीछे जो स्टार्स है वो जहां पर एक्चुअली है वहां पर हमें दिखते ही नहीं है, वो उससे कुछ डिग्रीज दूर नजर आते हैं। यानी कि सन की ग्रेविटी के वजह से उन स्टार्स की लाइट हम तक बेंड होकर पहुंच रही है, और यही वो पॉइंट था जब पूरी दुनिया ने आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को सही मानते हुए उनकी थियरी को एक लैंडमार्क थियरी के तौर पर कंसिडर कर दिया, और ग्रेविटी के इस यूनिक एक्सप्लेनेशन ने आइंस्टाइन को एक जीनियस के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। अब अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना होगा तो आपको समझा होगा कि कहीं पर भी हमने ऐसा नहीं कहा कि न्यूटन की थियरी ऑफ ग्रेविटी पूरी तरीके से गलत थी। इनफैक्ट आइंस्टाइन खुद भी ये नहीं मानते थे, जस्ट सिर्फ पॉइंट ये था कि न्यूटन की थियरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन रखती थी और उस एरिया के बाहर के ऑब्जर्वेशंस को ठीक तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही थी। उनकी थियरी में कई मिसिंग लिंक्स थे जिसे आइंस्टाइन ने आइडेंटिफाई किया और अपनी न्यू एंड अपडेटेड थियरी से सॉल्व किया और अपने एरिया ऑफ एप्लीकेशन को बढ़ा दिया। एंड इन माय ओपिनियन यही आइंस्टाइन को दूसरे साइंटिस्टों से अलग बनाता है। उन्होंने इन फंडामेंटल थियरीज पर सिंपल सा सवाल पूछकर उनमें मौजूद गैप्स को पहचाना और फिर उन गैप्स को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से भरने की कोशिश की। और अगर आप भी साइंस या फिजिक्स को परस्यू कर रहे हो तो आप भी इसी अप्रोच के जरिए न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट की लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हो, क्योंकि न्यूटन की थियरी की तरह आइंस्टाइन की थियरी में भी कई लूप होल्स है। आइंस्टाइन की थियरी का भी एक एरिया ऑफ एप्लीकेशन है और उसके बाहर कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसे वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते ठीक से, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिग बैंग से पहले क्या हुआ, बिग बैंग हुआ ही आखिर क्यों था और ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस को आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं प्रेडिक्ट कर पा रही। अब ऐसे में अगर आप में से कोई इस गैप को फिल कर सकता है तो आप इसी लेगेसी का एक अहम हिस्सा बन जाओगे। पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी काम ही कैसे करती है इसका एक सटीक एक्सप्लेनेशन हमें अब तक नहीं मिल पाया है। अब क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी आखिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्यों रिलेटिविटी को और क्वांटम मैकेनिक्स को मिक्स कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है, इसे मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है जो आप ऊपर आई बटन दबा के देख सकते हो, और आपको आज के मॉडर्न साइंटिस्टों का स्ट्रगल समझ में आएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, कोई नया इंस्पिरेशन मिला, तो एक लाइक जरूर ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले अगर आप अपने हेयर को हेल्दी रखना चाहते हैं और हेयर फॉल, बॉल्डिंग, ग्रेइंग और डैंड्रफ जैसे इश्यूज से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली आदिवासी कम्युनिटी से ही आदिवासी तेल खरीदो। मेरा नाम लेने पर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, जय हिंद।